दोस्तों स्वागत है YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम बात करेंगे मछली का ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको क्या सब करना चाहिए, इसके आहार के विषय में हम कुछ जानकारी देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते रहते हैं सरसों की खली दीजिए, राइस ब्रान दीजिए, राइस पॉलिश दीजिए, मकई का दर्रा दीजिए। हम भी बताते हैं और इस तरह से देना है, किस तरह से देना है, सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। लेकिन हम आज के वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जो भी भोजन आप देते हैं उसमें क्या आपको नमक का भी प्रयोग करना चाहिए। जो भी पूरक आहार आप मछलियों को देते हैं वह किस समय देना ज़्यादा उचित रहता है, और बहुत सारे लोग समय बदल बदल कर अपने तालाब में देते हैं। किसी दिन सुबह के टाइम में दे देते हैं, किसी दिन दोपहर में दे देते हैं, किसी दिन शाम में देते हैं, और किसी दिन देते ही नहीं है। इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तालाब में चूँकि गर्मी का दिन आ गया है तो हमको पानी पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक तालाब का, जिनके तालाब में अभी मछली है और ख़ास करके बड़ी मछली है, उनके लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी कमते जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। और आपके तालाब में ग्रास कार्प का पालन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या सब फ़ायदे हैं, इसके विषय में हम जानकारी देंगे। और हम आपको बताएँगे कि हींग का प्रयोग, जैसे तालाब में नमक का प्रयोग करना चाहिए तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, हींग का प्रयोग आप करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, इसकी भी जानकारी हम देंगे। तीसरा, एक अरंडी का तेल आता है, आप लोग नाम सुने होंगे, आश्चर्य हो रहा होगा कि तालाब में मछलियों के लिए अरंडी के तेल की क्या आवश्यकता है भाई, तो हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और लास्ट में हम जानकारी देंगे कि आपका अगर तालाब के बांध अच्छी तरह बनवाए हुए हैं तो उस पर केले के पौधे लगाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी भी हम जानकारी देंगे। दो तरह के फायदे होंगे, आगे हम इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, छोटी सी जानकारी हम देते हैं आपको। पहले बात करते हैं नमक का प्रयोग। जो भी आप अपने मछलियों को भोजन देते हैं, वह राइस ब्रान देते हैं या मकई का दर्रा देते हैं, उसमें सरसों की खली मिला करके देते हैं, तो प्रत्येक दिन जो भी आप आहार मछलियों को देते हैं, मान लीजिए कि आप 10 किलो रोज़ आप अपने मछलियों को भोजन देते हैं, तो 10 केजी का 1%, 5 केजी देते हैं, 20 केजी देते हैं, जितना केजी देते हैं उसका 1% आप रोज़ नमक अवश्य मिलाएं अपने मछलियों के भोजन में, काफ़ी लाभ होता है इससे। पानी की हम बात करें तो जैसा कि हम बात किए बताए पहले, गर्मी का दिन आ गया है तो जल स्तर पर आपको ध्यान बना करके रखना होगा। गर्मी के कारण प्रत्येक तालाब का जल स्तर नीचे जा रहा है, तो कम से कम पानी 1 मीटर जरूर होना चाहिए। जल स्तर को आप 1 मीटर मेंटेन करके रखें, तब जाकर के अच्छा खासा ग्रोथ होगा मछलियों का। ग्रोथ होने का यही सबसे उचित समय है, गर्मी के दिनों में ही मछलियों का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है। और आगे हम कहना चाहेंगे कि अपने तालाब में ग्रास कार्प का कुछ मात्रा अवश्य संचय करें। बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम कतला पालते हैं, रेहू पालते हैं, कॉमन कार्प पालते हैं, ग्रास का नाम वो नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग ग्रास पालते हैं, लेकिन जो लोग अपने तालाब में ग्रास नहीं रखते हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आपके तालाब में जो भी जंगल वगैरह होता है, खरपतवार होता है, हरी हरी घासें निकल जाती हैं साइड साइड में पोखरियों को, तो अगर आप ग्रास कार्प का पालन करेंगे तो अलग से उसको पूरक आहार देने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी जंगल को खा करके अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएंगे। और तालाब में कीट नियंत्रण के लिए आपको नीम की खली का भी प्रयोग करना चाहिए। आपने अभी तक सुना है सरसों की खली का प्रयोग, मूँगफली की खली का प्रयोग, महुआ की खली का प्रयोग भी सुना है आपने, नीम की खली का प्रयोग शायद अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। लेकिन बहुत सारे तालाब में अनेकों तरह के कीट हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जिसको मछलियां भी नहीं खाती है, वे मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे नियंत्रण पाने के लिए आपको नीम की खली का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। 6 महीने पर एक बार नीम की खली का प्रयोग आप कर लें। और जब तालाब में पानी कम रहा होता है, आप पानी उसमें डालते हैं तो किसी ऊँचाई वाले स्थल से पाइप द्वारा पानी आप डालें कि पानी पर पानी आपका गिरेगा तो इससे ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दूसरा, बड़ा तालाब है आपके पास, ऑक्सीजन की कमी बार बार हो जाती है तो संभव हो तो एरिएटर का भी प्रयोग करें। आप अगर आप हाई डेंसिटी में मछली का पालन कर रहे हैं तो बिना एरिएटर का मछली पालन संभव नहीं होता है। और अगर संभव हो आपसे पानी निकालने की व्यवस्था हो आपके पास तो 15% 20% सप्ताह में एक बार पानी अपने तालाब से निकाल दें और फिर से नया पानी अपने तालाब में डाल दें। इन सारी चीज़ों से आपकी मछलियों के ग्रोथ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, सिर्फ भोजन देने से ही नहीं, इन सारी क्रियाकलापों को अगर आप समय समय पर करते रहते हैं तब जाकर के आपके मछलियों का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। अब हम बात करते हैं वही अरंडी के तेल।
मछलियों को 6 महीने पर एक बार अरंडी का तेल जरूर आप अपने भोजन में, मछलियों के भोजन में अवश्य मिलाएं। इससे मछलियों का भूख काफ़ी मात्रा में बढ़ता है और जब मछलियों को भूख अधिक लगेगा, भोजन अधिक करेगी, तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ उसका ज़्यादा होगा। आपको अरंडी का तेल मछलियों के भोजन में 6 माह में एक बार अवश्य प्रयोग मिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मछलियों के लिए हल्दी का प्रयोग। हल्दी का पाउडर का प्रयोग जब आपके मछलियों को हो सकता है, गर्मी के बाद बरसात का समय आने वाला होता है, तो उस समय मछलियों में बीमारी, तरह तरह की बीमारी लगने की चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको अपने तालाब में हल्दी पाउडर का घोल बना करके उसमें नमक मिला करके घोल बना लीजिए और तालाब में छिड़काव करते रहिए। महीने में 2 बार कम से कम आपको यह प्रक्रिया अपनाना होगा। और अंत में हम बताना चाहेंगे आपके लिए केले का पौधा क्यों ज़रूरी है। पहले हम बता चुके हैं कि ग्रास कार्प का पालन अवश्य कीजिए और जब आप अपने तालाब के बांधों पर केले के पौधे लगा लेते हैं तो उससे आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन कमने का बीमारी बहुत अधिक होता है तालाब में, तो जब आप केले के पौधे अपने बांधों पर, तालाब के बांधों पर लगाते हैं, तो ग्रास कार्प को केले के पत्ते से आप भोजन करा सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी मेंटेन रहेगा आपको। इन सारी क्रियाकलापों को करके आप अपनी मछली का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। पूरक आहार देते रहिए, उसमें नमक का प्रयोग प्रत्येक दिन 1% की मात्रा के हिसाब से करते रहिए। पानी डालना है तालाब में तो जिस तालाब में मछली पहले से संचय किया गया है, स्टॉक किया गया है सीड को, उसमें ऊपर की तरफ से आप पानी डालिए। 6 महीने में एक बार अरंडी के तेल का प्रयोग करते रहिए। सप्ताह में एक बार हींग का प्रयोग अवश्य कीजिए भोजन में। 5 kg भोजन अगर आप बनाते हैं उसमें 2 ग्राम हींग को मिलाना नहीं भूलें। सप्ताह में 2 बार आप इस काम को कीजिए, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मछली को बीमारी नहीं आएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।